और आगे बढ़ाते हैं हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर को। और स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। और क्विक रिवीजन में हम केवल इतनी बात करने वाले हैं कि करंट रेशियोज क्या होते थे। करंट रेशियो नहीं कहना चाहिए, लिक्विडिटी रेशियोज कहना चाहिए ना, लिक्विडिटी रेशियोज ये हमने पढ़े थे। और ये होते थे चार, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होता था करंट रेशियो, दूसरा होता था क्विक रेशियो, तीसरा होता था कैश रेशियो। सिंपल है एकदम। करंट रेशियो क्या होता था? करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी करंट असेट अवेलेबल है। क्विक रेशियो करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितना क्विक असेट अवेलेबल है। और कैश रेशियो मतलब करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है ना। आप जब कभी 12th क्लास में पढ़ते होंगे तो हो सकता है आपको यहां पर करंट लाइबिलिटी या क्विक लाइबिलिटी नजर आए, है ना, पर वो हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं, हमको करंट लाइबिलिटी ही लिखा होता है इसलिए हम वैसा ही पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने एक रेशियो और पढ़ा था जिसका नाम था बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर, ठीक है, जो क्या होता था, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय हम कर देते थे क्या, बताओ, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे, है ना। अगर रेवेन्यू के सारे सोर्सेज बंद हो जाएं तब भी हम कितने दिनों तक बिजनेस को रन कर सकते हैं, वो अपन ने पढ़ा था बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर, ठीक है। ये था हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था वो। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो क्या है हमारा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो भी कौन से वाले? बेस्ड ऑन सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स के आधार पर, ठीक है। तो चार टाइप के रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। चार टाइप कौन कौन से हैं सर? पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अब सिंपल बोल सकते हैं GPR, बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, GPR, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स से रिलेशन, भाई सेल्स का कितना परसेंट जीपी है, वो जीपी रेशियो हो गया, है ना। तो ये तो एकदम सिंपल वाले रेशियोज हैं। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेल्स के साथ रिलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेल्स के साथ रिलेशनशिप, सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ये क्या होता है सर? ये होता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स का नेट प्रॉफिट के साथ रिलेशन। और फोर्थ जो अंतिम हमारा रेशियो है वो है बहुत फेमस, जो आपने कई बार सुना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। और ये क्या होता है साहब? ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेशन। अच्छा, इन सभी में कॉमन क्या है? सेल्स, है ना, सबका कनेक्शन सेल्स से, तो क्यों नहीं होगा सर? नाम ही क्या है? बेस्ड ऑन सेल्स, है ना। तो जीपी का सेल्स के साथ रिलेशन, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेल्स के साथ रिलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट का सेल्स के साथ रिलेशन, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, और कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ रिलेशन, चारों में कॉमन क्या है? सेल्स। सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 100, बताएगा कोई क्यों करना है इंटू 100 मल्टीप्लाई? हाँ सर, आपने बताया था, इसलिए करना है क्योंकि इन सारे केसेस में न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर आएगा पॉइंट में, तो बोले में वो प्रॉपर नहीं लगता, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि यार इन सारे रेशियोज को हम परसेंटेज में बोला करेंगे, है ना। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो हमें दिमाग में बिठानी है, ठीक बात है, ओके। अब हमें एक एक टर्म को समझना है, जीपी क्या है, ओपी क्या है, इन सारी बातों पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं और समझते हैं। चलिए मान लीजिए अपन एक ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ दो चार आइटम अपन डाल देते हैं। यहां लिख देते हैं अपन सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है,
सेल से सपोज 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक, और अपन लिख देते हैं परचेज। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस जो और होंगे वो लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो डायरेक्ट लेबर वगैरह लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ आ जाता है क्या आपका जीपी, ठीक बात है। इस बात में मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर और लिख ही देता हूँ, है ना, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक है मान लीजिए सपोज आपका 1 लाख, परचेज है आपका 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका 50,000, डायरेक्ट वेजेस है आपका 50,000, ठीक है। अब आप बताइए जीपी कितना होगा। तो इधर का टोटल कितना है, सेल्स और प्लस क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख, ठीक है। 12 लाख में से ये इधर 5 और एक 6 और एक 7 लाख, 12 में 7 गया, कितना बचा 5 लाख। ये 5 लाख क्या हो गया आपका जीपी, ठीक बात है, ये हो गया आपका जीपी, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। आप बताइए क्या इस जीपी को यहां ट्रांसफर करते थे जब हम पीएनडीएल बनाते थे तो? हाँ सर करते थे। सर ये कौन सी बातें पढ़ा रहे हो सर, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ पर एक बार जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, ठीक है, हो सकता है कुछ नई बात आपको नजर आए। तो आपका जो जीपी है वो आ जाएगा इधर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 लाख। अब जो आपका पीएनडीएल होता है उसमें जो एक्सपेंस होते हैं वो सब होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ट्रेडिंग में आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ऐसी आपकी जो पीएनडीएल होता है उसमें होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे कौन से होते हैं साहब, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, डन। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा सर, जैसे इंटरेस्ट जैसा कुछ हो सकता है जिनका ऑपरेशन से कनेक्शन नहीं है, है ना। जो भाई आप जैसे मान लो मैं पेंसिल बनाने या पेन बनाने का काम करता हूं, तो अब उसमें लोन और इंटरेस्ट का कहां से यूज आ जाएगा, है ना, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये जो चीजें हैं ये आपके डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये हमारे ऑपरेशन का मेन हिस्सा नहीं है, तो इनको अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल देते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस आप जानते हो, आप कहोगे सैलरी, आप कहोगे एडमिन, आप कहोगे फैक्ट्री ओवरहेड, या कोई मार्केटिंग एक्सपेंस आप कहेंगे, कोई भी एक्सपेंस आप कहेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जाम्पल ही बहुत कम दिखाई देते हैं, है ना। तो वो उसमें केवल दो ही लिखे मैंने, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। अब जीपी हुआ आपका 5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सपोज सैलरी है आपकी 40,000, एडमिन है आपके 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 70,000, और मार्केटिंग एक्सपेंस है सपोज आपके 30,000, ठीक बात है, ओके। अब अगर 5 लाख में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दें अपन, अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दें, तो 5 लाख में से ये 40,000 गया, 60,000 ये कितना हुआ, टोटल 2 लाख हुआ। तो 5 लाख में से 2 लाख गया, कितना बचा, 3 लाख। इस 3 लाख को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो ना, हमने जीपी में से अभी केवल कौन से एक्सपेंस घटाए हैं, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो घटाए नहीं। तो अगर केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अभी हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी घटा देते हैं। मान लीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कैसा है, सपोज 20,000 का जो है वो इंटरेस्ट है और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स रेट हुआ था 80,000 सपोज, है ना, तो टोटल हो गए 1 लाख के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अभी क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख आया है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और घटा देते हैं। तो अब बताइए जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 3 लाख में से 1 लाख गया तो बचा 2 लाख, और इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्यों सर नेट प्रॉफिट क्यों कहते हैं सर इसको, क्योंकि बेटा अब तो कोई खर्चा घटाने को रह ही नहीं गया ना, अब तो सारे खर्चे हमने घटा दिए, तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक बात है। तो अभी तक इतनी बात आपको समझ में आई, जीपी क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक बात है। अच्छा एक और बात, ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का एक तरीका और है सर, वो क्या है, आपने सुना होगा सेल्स माइनस सीओजीएस तो भी जीपी आता है। ये सीओजीएस क्या होता है सर, सीओजीएस देख लो बेटा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट
एक्सपेंस या डायरेक्ट वेजेस सब जोड़ दो, और उसमें से माइनस क्या कर दो आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाता है आपका सीओजीएस आ जाता है। देख लो आप करके एक बार, 5 लाख और एक 6 लाख और 7 लाख, 7 लाख में से 2 लाख गया कितना, 5 लाख, तो सीओजीएस कितना आ गया आपका, 5 लाख। ठीक बात है, इस पूरे बॉक्स में से हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, तो आपका सीओजीएस आ जाएगा, तो वो आ रहा है कितना, 5 लाख। तब सेल्स में से 5 लाख घटाओ तो भी तो जीपी कितना आएगा, 5 लाख। तो एक और तरीका है, वो क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस करिए तो भी आपका जीपी आ जाएगा, है ना, ये भी एक तरीका है। फिर से आ जाते हैं नीचे। अच्छा सर, अब ये जो नेट प्रॉफिट दिया है सर, इसमें से टैक्स घटाएं या ना घटाएं, तो फिलहाल तो अपन घटा कर दिखा देते हैं। मान लीजिए टैक्स लगता है एट द रेट 30%, तो 2 लाख का 30% हो जाएगा 60,000। ठीक बात है, घटाने के बाद ये कितना बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो जाएगा आपका 1,40,000, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डन। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। अच्छा, इस पूरी कहानी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ये तो अपन ने अकाउंट फॉर्मेट में लिखा है, एक बार इसको ना अपन स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख कर देखते हैं। स्टेटमेंट फॉर्मेट में मतलब कैसे, दिखाता हूं, देखो स्टेटमेंट फॉर्मेट में अपन ऐसे बोल सकते हैं, और सर ये बता ही क्यों रहे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चलकर, पड़ सकती है आपको, देखना अपन लिखेंगे सेल्स माइनस सीओजीएस, क्या आता है जीपी। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, जीपी में से अगर केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाई जाए तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और घटा दिए जाएं तो आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि अब तो कोई खर्चे घटाने को बचे ही नहीं, और अगर इसमें से टैक्स घटा दिया जाए तो आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी तो आ सकती है। आ सकती है बेटा, अगर वो आती तो हम नेट प्रॉफिट जो निकालते हैं उसको निकालने में नॉन ऑपरेटिंग इनकम अलग से और जोड़ देते। ठीक बात है, तो मतलब केवल कितना चेंज आता कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम अलग से, सॉरी, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम अलग से ऐड कर देते, तो आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ जाता ऐसा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये कभी दिया ही नहीं होगा, तो मैं नॉर्मली जो पॉपुलर चीजें हैं उन पर बात कर रहा हूं, जो अपने सिलेबस के हिसाब से एकदम अलग हो जाती है उन पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक बात है, ओके, तो इसलिए मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूं। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जीपी क्या होता है, ओपी क्या होता है और एनपी क्या होता है। अब एक प्रश्न और है सर मेरे मन में, और वो ये है कि जो आपने यहां पर रेशियो लिखे हैं उसमें जो आपने नेट प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट तो बिफोर टैक्स भी हो सकता है और आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, तो सर हमें क्या करना है और सही क्या है। तो देखो बेटा, सही तो सब कुछ है, रेशियो में कुछ गलत या सही नहीं होता है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या चाहिए। तो अपन जो अपने सिलेबस के हिसाब से करेंगे, अपन इसको हमेशा मान के चलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कहीं पर भी अगर नेट प्रॉफिट लिखा होगा तो हम मानकर चलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये बात, हमारे लिए नेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। बात सही और गलत की नहीं है, बात है कि अपना इंस्टीट्यूट क्या करता है, थोड़ा सा उसको हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है, अब अंत में हमारा लास्ट रेशियो बचा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा बताइए, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाने की बजाय केवल वेरिएबल कॉस्ट को घटाया जाए तो जो बचता है उसे नाम दिया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉफिट तो नाम दे नहीं सकते हैं, हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने इसे डिटेल में बताया है, मैंने ये भी बताया कि इसे कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्यों बोलते हैं। ठीक बात है, आप अभी दिमाग में इतना रख सकते हो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो कॉन्ट्रीब्यूशन बचा, अब इसको कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि अब जो फिक्स कॉस्ट बचा है उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें जरूरत लगेगा, कितना योगदान हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बाद बचाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा समझ लो, आप सेल्स करते हो 10 लाख की, 10 लाख में मान लो आपकी 6 लाख की क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बची 4 लाख, तो बताओ सेल्स फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में कितना कॉन्ट्री करती, केवल 4 लाख। वो कहेगी नहीं नहीं 10, अरे 10 लाख तो आप रेवेन्यू लेकर आते हो, तो 10 लाख है तो 6 तो तुरंत चले जाते हैं, तो हकीकत में आपकी तरफ से सेल्स की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन 4 लाख के आए ना।
जिसकी हेल्प से हम फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करेंगे, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, है ना, ऐसा। तो पीबीआर मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ रिलेशन। मान लीजिए ये आया 40%, सपोज आया पीबीआर 40%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्स का 40% हमें बच जाता है, सेल्स का 40% हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन बच जाता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना अच्छा होगा भाई, जितना परसेंट हमें बच जाए उतना अच्छा, ठीक है, ओके।